हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा होगा। सो आज एक बहुत स्पेशल डे है, नॉट जस्ट बिकॉज कि मेरा बर्थडे है, लेकिन मैं उससे भी ज़्यादा कुछ स्पेशल करने वाला हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ। और मैंने सोचा क्यों ना अपनी फैमिली के साथ में, अपनी सोशल मीडिया फैमिली के साथ में शेयर किया जाए। सो आज मैं जा रहा हूँ दिल्ली छोई से मिलने, और साथ ही साथ एक स्पेशल मेहमान को लेने के लिए। आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर दिस विद यू गाइज। सो शुरुआत कर चुका हूँ, रामपुर से निकल चुका हूँ, अपने घर से निकल चुका हूँ, रास्ते में हूँ, और निकलते निकलते थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि दो दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एंड इट वॉज सच अ बैड फीलिंग कि भाई दो दिन बाद बर्थडे है, एंड दो दिन से मैं इतना ज़्यादा बीमार था, इतना ज़्यादा, एंड मैंने कोई वीडियो भी पोस्ट नहीं की थी। सो आज मुझे कुछ बेटर लग रहा था, सो मैंने सोचा चलो चला जाए एंड बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगा, साथ ही साथ एक मेहमान भी लेके आएंगे। आई एम गोइंग टू गेट अ शिज़ू, मैं एक शिज़ू पपी लेने वाला हूँ, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम गेटिंग अ डॉग। सो खुद भी नर्वस हूँ क्योंकि घर में एक नया लिविंग बींग आने वाला है और वो एक मेम्बर की तरह ही होगा। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, घर में किसी को भी आइडिया नहीं है इस बारे में कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जैसे तैसे करके चीज़ें हुई हैं एंड नोबडी हैज़ अ सिंगल क्लू अबाउट दिस थिंग कि भाई कुछ ऐसा स्पेशल और बड़ा। एक्चुअली ये बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड टू कीप अ डॉग। मैं बहुत महीनों से, बहुत सालों से इस चीज़ को इतना ज़्यादा चाहता था, लेकिन वो कभी हो ही नहीं पाया यार, कभी मौका ऐसा मिला ही नहीं कि मैं कर लूँ। एंड आई हैड अदर प्लान्स एज वेल, मैंने सोचा था शादी के बाद मैं पेट रखूँगा, लेकिन चीज़ें ऐसी हो गई कि नाउ आई एम गेटिंग इट एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिलीव मी, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकता। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं। गए हैं नोएडा और आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर द थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन। एंड यहाँ से आधे घंटे की दूरी पर है छोई का घर, वहाँ पे एक लंच है, लंच के बाद हम निकलेंगे हमारे पप को लेने के लिए। एंड हमने उसका नाम भी डिसाइड करा हुआ है ऑलरेडी, एंड उसका नाम है बूजो। बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, पता नहीं कैसे बयां करूँ, बस बहुत ज़्यादा हूँ। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो मिस्टर अनुभव अग्रवाल, एक्साइटेड फॉर द सरप्राइज? भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ, लेकिन घर वालों का नहीं पता। वो एक्साइटेड होंगे या फिर वो कहेंगे बेटा ये भी ले, तू भी निकल यहाँ से। दोनों अपना घर देख लो, दूसरा कोई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी होगा भाई, आई एम वेरी एक्साइटेड। अभी हम लेने जाएंगे, अभी अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर में विल गो टू द पर्सन जिसे हमें लेनी है, एंड देखते हैं फिर क्या होता है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। वी हैव ऑलरेडी गिवन इट्स नेम, एनी इज बूजो। Boozo! Excited to get Boozo, a new family member, huh? Yeah, definitely. It is going to be an add-on in our family. Very nice. I'm very excited, you know. Even I'm very excited. I know. जाके ना सीरियल में दिखाने लग जाना बेचारा। अनुपमा देखेगा मेरे साथ में। वी
136 minutes later. So finally, अब हम जा रहे हैं घर, यानी कि रामपुर, जो कि है 4 घंटे का रास्ता. God. और 4 घंटे तक बूजो ट्रेवल करने वाला है एंड इट इज गोइंग टू बी हिज फर्स्ट एवर ट्रिप. बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं कि बूजो के साथ फर्स्ट ट्रिप है मेरी. आई एम वेरी वेरी नर्वस. वैसे मेरे को डॉक्टर ने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि मोशन सिकनेस की वजह से वॉमिट कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बस आई एम ऑल अलोन एंड पता नहीं कैसे हो पाएगा, लेकिन करना है. आराम आराम से ड्राइव करूँगा एंड एक्साइटेड तो बहुत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ. समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या बोलूँ. बस मैं यही चाहता हूँ कि इसकी तबीयत ना बिगड़े, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो इसके लिए परेशानी हो. आई एम वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज हेल्थ. होता है, बेबी को थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में. सो अभी तो इसको मैंने बास्केट में रखा हुआ है, कुछ देर बाद मैं इसको हग कर लूँगा, अपनी गोदी में लेके जाऊँगा एंड देखते हैं क्या होता है. सो मिलते हैं रामपुर पहुँच कर और रिकॉर्ड करते हैं घर वालों का रिएक्शन कि वो कैसा रिएक्ट करने वाले हैं एंड दिक्कत होने वाली है. सो यही देखना है कैसा रिएक्ट करते हैं. वैसे तो मुझे मालूम है यकीनन एक्सेप्ट कर लेंगे, खुश होंगे, क्योंकि ये इतना प्यारा है कि कोई भी इसको इग्नोर कर ही नहीं सकता. सो लेट्स सी कैसी ट्रिप जाती है. मैं इतनी ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी नींद ना खुले, लेकिन जैसे ही रोड पे कोई भी ऑब्स्टेकल आता है या किसी भी तरीके का बम्प आता है, बेचारे की आँख खुल जाती है. एंड मुझे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि वो बेचारा चैन से सो नहीं पा रहा है. एंड ऑब्वियसली अगर गाड़ी रोड पे चलेगी तो छोटे मोटे बम्प्स तो होंगे ही. और बूजो फाइनली मेरी गोदी में आ गया, क्योंकि बहुत देर से बेचारा सोच रहा था कि हाय हाय टू एवरीवन. अभी हमारी जर्नी है ऑलमोस्ट 1 hour 47 minutes और ये भाई साहब बहुत देर से सो रहे थे, अब जाके उठे हैं. सही है. तो फाइनली मैं रामपुर पहुंच चुका हूं और घर से बस 2 मिनट की दूरी पर हूं और भाई साहब गोदी में है और अभी अभी जस्ट जगाया है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से क्या कहते हैं नींद में थे, बहुत गहरी नींद में चले गए थे. बीच में बहुत शैतानी कर रहा था, फिर मैंने जैसे तैसे सुलाया क्योंकि थोड़ा सा रास्ता था, तो मैंने कहा चल तू सो जा भाई, जैसे तैसे करके मैंने इसे सुलाया. और ये देखो अब देखो कैसे शैतानी कर रहा है. मोटे अब समय है उनका रिएक्शन देखने का, फैमिली का, कि उन्हें कैसा लगेगा. आई जस्ट होप कि सब कुछ सही रहे. एक्साइटेड एक्साइटेड मोटो मोटो मोटो. चलो घर चलते हैं. फ्यू मोमेंट्स लेटर. ये ये बच्चा बच्चा. लो गोदी में लो. अरे वाह बच्चा आ गया. थोड़ा सा नहीं नहीं काटेगा ये, इसलिए कह रहा था घर में कौन कौन है. कितने लोग हैं. मम्मा से मिलो, मम्मा से मिलो, मम्मा से मिलो. जब हमने लिया था तब शेक कर रहा था लिटरली. कसम से कितनी प्यारी डैडी को. ये 52 डेज की है, ये मेल है.
3:28 AM. क्या हो गया? आओ इधर आओ. इधर आओ. आ जाओ आ जाओ. मोटू अच्छा उतरना है. चलो उतर जाओ.